सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं अखिलेश यादव। तो इस मामले में ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। तो प्रशासन से बकायदा मंजूरी यहां पर ली गई है, तो सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करेंगे। आज रामपुर जेल से सीतापुर जेल में आजम और उसके परिवार को शिफ्ट किया गया है। उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव मुलाकात जो है वो आजम खान से कर सकते हैं। प्रशासन को इसकी जानकारी भी दी गई थी सीतापुर दौरे को लेकर, और अब सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। तो जहां सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। और संवाददाता नरेंद्र यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अब सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, अभी अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी दफ्तर से निकले हैं और उनके साथ कई नेता भी उनके साथ मौजूद हैं, राजेंद्र चौधरी मौजूद हैं। और सीतापुर पहुंचकर अखिलेश यादव जेल में मुलाकात करेंगे आजम खान से, और जिसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था जिलाधिकारी सीतापुर को। और जब वहां से उनको परमिशन मिल गई सीतापुर जिलाधिकारी से मुलाकात के लिए, तो सीधे वो अपने दफ्तर से निकले हैं। इससे पहले वो कई घंटों तक अपने दफ्तर पर मौजूद रहे थे, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से उन्होंने वार्ता की थी। इस संबंध में उन्होंने जिला प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। इससे पहले वो रामपुर जाने वाले थे, क्योंकि और रामपुर से उनको सीतापुर शिफ्ट कर दिया गया था आजम खान को, जिसके चलते यहाँ पर एक बार वो सुबह से आके बैठक किया और इस बार उनको परमिशन मिल गई है और वो सीतापुर के लिए निकल चुके हैं। जी बिल्कुल, नरेंद्र, बकायदा मंजूरी लेकर सीतापुर के लिए रवाना हो चुके हैं अखिलेश यादव। इससे पहले जो बैठक यहाँ पर चल रही थी, उस बैठक में क्या कुछ रहा, क्या ये एक औपचारिकता के तौर पर मुलाकात है या फिर क्या कुछ इस मुलाकात के खास मायने निकाले जाए? खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, वो मुलायम सिंह के साथ भी काफी समय तक रहे हैं, मुलायम सिंह की कैबिनेट में वो मंत्री रहे हैं, तो उनका एक बड़ा ओहदा है, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और उनके जेल जाने से पार्टी सकते में थी, काफी नेताओं में आक्रोश भी था और इसे भारतीय जनता पार्टी की विरोध की राजनीति बता रहे थे, और जिसको लेकर अखिलेश यादव कल भी ट्वीट किए थे और उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी भिजवाई थी। और जब इनको आज सीतापुर शिफ्ट कर दिया गया तो इसको लेकर उन्होंने अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नरेश उत्तम पटेल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राम गोविंद चौधरी जो विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं, अहमद हसन विधान परिषद के जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। और कई विधायक भी आए थे अखिलेश यादव से मिलने, जो पश्चिम की राजनीति में काफी अहम रोल निभाते हैं समाजवादी पार्टी के लिए। तो इन सारी चीजों पे बैठक के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि सीतापुर उनको जाना है, जिसको लेकर उन्होंने लेटर भिजवाया जिलाधिकारी सीतापुर के पास और परमिशन मांगी कि वो आजम खान से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी का भी स्टैंड लगातार आजम खान के साथ रहा है और अखिलेश यादव लगातार इसमें बयान भी देते रहे हैं। और ये साथ होना भी लाजमी नरेंद्र कहीं ना कहीं है। अब रवाना तो हो चुके हैं, क्या रवाना होने से पहले बैठक के बाद किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया किसी नेता सपा नेता की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से? नहीं, आज जब बैठक हुई थी, बैठक के बाद सभी नेता विधान मंडल में चले गए थे, क्योंकि वहां पर सत्र चल रहा है, विधानसभा में चले गए थे और अखिलेश यादव यहां अपनी सिक्योरिटी के साथ निकले और उनके साथ एक दो नेता जो उनके साथ रहते हैं राजेंद्र प्रसाद, उनके साथ निकले। उन्होंने मीडिया से बात नहीं किया है, ना ही कोई बयान जारी किया गया है, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से ही कोई ट्वीट किया गया है। अखिलेश यादव सीतापुर में कोई अपना बयान जारी कर सकते हैं, वहां मीडिया से बात कर सकते हैं, लेकिन पहले वो आजम खान से मिलेंगे, आजम खान से मिलने के बाद वो मीडिया से बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर मंजूरी का जो है इंतजार किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है, तो क्या कुछ शर्तें भी आप प्रशासन की तरफ से इस मंजूरी के साथ? देखिए, जिलाधिकारी ने अगर उनको परमिशन दी है, इसी के बाद ही वो अपने दफ्तर से मिलने के लिए निकले हैं। हो सकता है कि कुछ शर्तें लगाई हों, क्योंकि जेल में उनको मुलाकात करनी है तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जाने की परमिशन जिलाधिकारी या जेल प्रशासन द्वारा नहीं दी गई होगी, लेकिन अखिलेश यादव को जाने की परमिशन मिल गई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों को जेल में प्रवेश दिया जाता है और कितने लोग अखिलेश यादव के साथ आजम खान से मुलाकात करते हैं, या मुलाकात के दौरान ही पता चलेगा, और इसकी आगे की जानकारी जिलाधिकारी ही बता सकेंगे कि कितने लोगों के जाने की परमिशन दी गई है, जेलर ही बता पाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव यहां से दफ्तर से अपने
निकल चुके हैं सीतापुर के लिए, करीब एक घंटे में वो जेल पहुंच जाएंगे सीतापुर। जी बिल्कुल, एक जाने माने नेता समाजवादी पार्टी के रहे हैं आजम खान, और हैं भी, और जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं अखिलेश यादव खुद अब जिस तरह से सीतापुर के लिए रवाना हुए हैं और जिस तरह से उनको शिफ्ट किया गया आजम खान को, इस दौरान वो मीडिया से ये कहते हुए नजर आए कि सरकार की मर्जी है, क्या कह सकते हैं। और उससे पहले अगर रामपुर की बात करें नरेंद्र, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहते थे लेकिन उससे पहले ही वो वहां से उनको निकाल कर ले गए। लेकिन अब जिस तरह से मुलाकात यहां पर करने पहुंच रहे हैं, तो क्या बचाव को लेकर भी कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि विकल्प तो यहां पर नहीं बचा है और 2 मार्च पर सभी की निगाहें टिकी है नरेंद्र। बिल्कुल, कोर्ट के फैसले के तहत उनको जेल भेजा गया है। इस मामले में पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट ही फैसला करेगा। लेकिन पार्टी के नेता जिस तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी रामपुर जाके उनके सपोर्ट में वहां पर मुलाकात किए थे जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे, और आज जेल जाने के बाद आज सीतापुर जा रहे हैं। कल ही अखिलेश यादव ने प्लान बनाया था रामपुर जाएंगे। रामपुर में आजम खान के बहुत सारे सपोर्टर हैं, वहाँ भीड़ ज्यादा हो सकती थी, जिसके मद्देनजर उनकी जेल को शिफ्ट कर दिया गया, आजम खान को सीतापुर भेज दिया गया जो लखनऊ से। खैर, अब इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहेगा, सबकी निगाहें टिकी है। नरेंद्र, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।